सब्सक्राइब करिए टेक्निकल बॉय चैनल को और उसके पास एक बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर दीजिए मेरी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल बॉय। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने आधार कार्ड के मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर है अपने आधार नंबर पर आधार कार्ड पर वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं या लिंक है मोबाइल नंबर या नहीं है। तो इसे करने के लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो अभी अभी अपडेट हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट में। तो उस वेबसाइट में जाकर आप बहुत सारे आधार वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट है, अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक है, कौन सा बैंक अकाउंट में आधार लिंक है वो भी आपको दिखाई देगा वहाँ पर। अपना ईमेल आईडी भी लिंक कर सकते हैं, अपना नाम टाइटल डेट ऑफ बर्थ सब चेंज कर सकते हैं वहाँ पर, और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर है या नहीं है वो भी जान सकते हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो को समझने के लिए आप शुरू से आखिर तक देखते रहिए इस वीडियो को अगर हिस्ट्री को समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका आधार अपडेट आधार स्टेटस चेक करना है तो आपको सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है और मैं यहाँ पर ब्राउज़र क्रोम यूज करता हूँ तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पर www.uidaigov.in मैंने डाल कर रखा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अगर आप इस वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड की तो आपको सबसे पहले अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू पा सकते हैं। तो मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं जानने के लिए आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर वेरी मोबाइल नंबर ईमेल या मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। वेरी ईमेल या मोबाइल नंबर तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट दूसरे पेज पर ले जाएगा और आप फिर से यहाँ पर क्लिक करके रिक्वेस्ट डेस्कटॉप व्यू पर क्लिक कर दीजिए जिससे ये पेज डेस्कटॉप व्यू पर चली आए आपके सामने। फिर आपको यहाँ पर देखिए आ गया आधार नंबर ईमेल, देखिए आ गया आधार नंबर ईमेल मोबाइल नंबर एंटर सिक्योर कोड। देखिए ये जो सीक्रेट कोड है ये वाला सीक्रेट कोड आपको डालना है वहाँ पर यहाँ पर। तो मैं सारी फिलअप कर देता हूँ इसलिए मैं वीडियो थोड़ा पोस्ट करता हूँ। अपने आधार कार्ड और ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिलअप कर देने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगी। फिर आपको आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, फिर आपको यहाँ पर OTP डाल के यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है या नहीं पता चल जाएगा। उससे पहले अगर आपका मोबाइल रजिस्टर है तभी आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। तभी आप समझ लीजिए कि मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।